चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर ऊना में शहर के बीचों बीच एक चलती कार आग की भेंट चढ़ गई। देखते ही देखते कुछ मिनटों में कार धूं धूं कर जल उठी। गनीमत रही कि कार में सवार दो लोग समय रहते कार से निकल गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऊना नंगल रोड पर स्थित मुख्य पुल पर एक चलती कार में आग लग गई। कार से उठते हुए धुएं को देखकर कार सवार दो व्यक्तियों ने पुल पर ही गाड़ी खड़ी कर तुरंत बाहर की ओर भाग गए। जैसे ही दोनों कार से नीचे उतरे, तुरंत ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों के बीचों बीच कार में लगी आग को देख नंगल से ऊना मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग व पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया और जाम को खुलवाया। रामलोक निवासी डगेड़ा मारुति कार के मालिक के साथ कार में सवार होकर अपने घर से आरटीओ ऑफिस ऊना गाड़ी को लेकर अपने नाम ट्रांसफर करवाने जा रहा था। ऊना के मुख्य पुल पर पहुंचते ही अचानक गाड़ी से धुआं उठने पर चालक ने कार सड़क के बीच ही पार्क कर दी। कार सवार दोनों व्यक्ति तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर पीछे की ओर भागे। इतने में ही गाड़ी में आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही मिनट में गाड़ी धूं धूं कर जल उठी। क्या हुआ? घर से आए ना, घर से आने के बाद जो मालिक ना गाड़ी का ट्रांसफर कराई थी गाड़ी आरटीओ में, कर्मी को लेकर नाम कराई थी गाड़ी, लेकिन चलिए यहाँ पे गैस जंप लगा। जंप लगने के बाद थोड़ा सा आगे गाड़ी आग लगी वैसे हम कर गए। बोले खोलूंगे, खोलना नहीं, मैं निकल लो। आप अकेले थे? कितने साथ लोग? साथ में था मालिक की गाड़ी। मालिक साथ थे तो आप दो लोग थे? दो लोग। ठीक है, जा रहे हैं आप आरटीओ ऑफिस? अच्छा, खुला आरटीओ ऑफिस। हाँ, जहाँ नाम आए कहाँ से? आए डंगेड़े से। डंगेड़े से जिसकी गाड़ी बोलने की है ना लोकल। आपने खरीदी थी गाड़ी? आपने खरीदी गाड़ी? हमें नहीं खरीदी।